आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको जल्दी से वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद आपका ये सब करने के लिए। नमस्ते आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि सभी बाइक बोर्ड इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संजय भाटी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको 14 दिन के रिमांड में रखा गया है। तो अब लोगों ने आगे क्या करना है जिससे उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आपको न्याय मिले, क्योंकि संजय भाटी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसने अच्छा खासा वकील भी कर रखा है। तो अब रही बात आपको आगे क्या करना है और करते रहना है ताकि आपको पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल सके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संजय भाटी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है इन्वेस्टरों के लिए। और मैं आपको बता दूं, 14 दिन के रिमांड पर उसको रखा गया है। तो अब पुलिस वाले उससे सारी पूछगिछ कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ है और कहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि आपको ज़रूर पता होगा कि संजय भाटी ने एक वकील कर रखा है जो कि उसके डिफेंस में खड़ा हुआ है और उसको बेल कराने में लगा हुआ है, लेकिन आपकी मेहनत की बदौलत 50 से ज़्यादा केस गौतम बुद्ध नगर थाने से हुए थे, जिसकी वजह से उसको अभी तक बेल नहीं मिल रही। तो ये आपकी बदौलत है। और अब आपको आगे क्या करना है, आपको पेमेंट जल्द से जल्द मिल पाए, क्योंकि वो कोशिश पूरी कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए और तरह तरह के टोटके अपना रहा है। तो अब आपको हो सके तो जैसे कि मीटिंग होती है, सभी इन्वेस्टर इकट्ठे होते हैं, सलाह मशवरा करते हैं और बाइक बोर्ड के ख़िलाफ़ विरोध जताते हैं, तो आपको इस मीटिंग में टाइम टू टाइम हिस्सा लेना चाहिए और विरोध जताना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सरकार तक ये गुंजाइश पहुंच जाएगी और उसको अलर्ट की तरह, रिमाइंडर की तरह पता चलता रहेगा कि हमने पब्लिक को न्याय दिलाना है और जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। एक बात और, जैसे आपको पता होगा 70% इन्वेस्टर हमारे फौजी भाई लोग हैं जिन्होंने बाइक बोर्ड में इन्वेस्ट किया था। मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, अगर हो सके अपने लेवल पर छोटा मोटा धरना जरूर करें ताकि सरकार तक आपका संदेश पहुँच जाए, क्योंकि सरकार भारतीय जवानों की जल्दी सुनेगा, क्योंकि मोदी जी भी इसके हित में हैं। तो कृपया आप जवानों कुछ करो अपने पैसों के लिए, जिससे लोगों का भला हो सके और उनको न्याय मिल सके, तो आप भी धरना कर सकते हैं। तो आपको और बात मैं बता दूं, आपको एक डिफेंस वकील भी करना चाहिए, जैसे कि मेरे हिसाब से कईयों ने किया हुआ है। एक वकील बना लो जो कि आप सब के तरफ से केस लड़ेगा और आपको न्याय दिलाएगा। तो जो एक सरकारी वकील होता है वो तो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा वकील करो जो कि पूरे भारतवर्ष से संजय भाटी के विरोधी वकील से मुकाबला करे और आपको न्याय दिलाए। तो ये सब मिलजुल कर ही होगा और बातें करके नहीं होगा, आपको फ़िलहाल पहले एक होना पड़ेगा, फिर जाके कुछ होगा। तो चौथी बात ये है, जिन लोगों ने अभी तक भी केस नहीं किए तो वो जल्द से जल्द केस करें, क्योंकि ये फाइनली प्रधान पर आ चुका है ये केस। अब ये कार्रवाई 14 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में जाएगी और न्याय की जो बात है वो आगे आएगी और आपको न्याय मिल जाएगा। तो तरह तरह के मीडिया में, न्यूज़पेपर में ये सारी चर्चा आजकल हो रही है, ये अच्छी बात है, सभी को जागना चाहिए और कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे कि केस से रिलेटेड
या कुछ और कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप पूछ सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज था आप सभी लोगों तक पहुँचाना, ताकि आप अपना पैसा लेने के खुद हकदार बने, क्योंकि आपने ही अपना पैसा गवाया है, अब आप ही अपना पैसा वापस लेंगे। और मैं आपका सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये सब हुआ है आपकी मेहनत की बदौलत और आपके द्वारा किए गए धरने। तो आखिरकार हमारा जो मेन कार्य था उसका डिसीजन आने वाला है, आखिरी चरण पर ये केस पहुंच चुका है। तो अब भी जिन लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ और इस फ्रॉड कंपनी से आपको बचाता रहूँ। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।